ंग आई होप एवरी वन फीलिंग मार्वल दिस इज़ कृष्णा वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिस जंकीस एज यू नो जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई भी हमसे मिलता है तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो यही होता है कि आप कैसे हैं हाउ आर यू तो आज हम वही सीखेंगे कि हम अलग अलग तरीके से कैसे इसका आंसर कर सकते हैं कि सुनने वाले को हमारा आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और थोड़ा फंटेस्टिक लगे तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और वहाँ पे आप अपने हर तरह के डाउट्स डीएम कर सकते हैं मोर ओवर आपको हर दिन वहाँ कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सो गाइस डू फॉलो एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो द फर्स्ट वन इज़ आम फाइन थैंक यू ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं जब भी कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं तब हम लोग मोस्टली यही यूज़ करते हैं बिकॉज सबसे कॉमन होता है सभी लोग ये यूज़ करते हैं लाइक आम फाइन थैंक यू नाओ द सेकेंड वन इज़ आई फील ग्रेट ये बहुत ही पॉजिटिव वे में अगर किसी को आप आंसर करना चाहते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसी को भी आपको पॉजिटिवली आंसर करना है तो आप यू यूज़ कर सकते हो जैसे if, जैसे ही वो अगर पूछता है तो आप आंसर कर सकते हो आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ द थर्ड वन इज़ आई फील मारबलेस ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अगर आप किसी को पॉजिटिवली आंसर करना चाहते हो देन गो विद दिस दिस इज़ रियली जब भी आप किसी को आंसर करना चाहते हो इस तरीके से तो आप इस तरीके से बोल सकते हो अगर कोई पूछता है लाइक हाउ आर यू तो आप इसको आंसर कर सकते हो आई एम फीलिंग मार्बलिस या फिर आई फील नाउ द फोर्थ वन इज़ फ़िट एज फिटल ये एक आइटम है ये बताने का कि आप बहुत ही हेल्दी एंड फ़िट है जैसे हम मुहावरे यूज़ करते हैं हिंदी में इंग्लिश एक मुहावरे की तरह है इसको आप आंसर करेंगे लाइक आई एम फिट एज़ फिट नाउ द फिफ्थ वन इज़ वेरी वेल थैंक्स दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव बट नॉट दैट मज स्ट्रॉन्ग ये जैसे हम लोग फीलिंग ग्रेट या मॉबलेस बोल रहे थे उतना स्ट्रॉन्ग uh, नहीं है बट येस yes, ये भी पॉजिटिव होता है और मोस्टली कभी कभी तो हम इसका यूज़ इसके लिए भी करते हैं जब हम किसी को आंसर नहीं करना चाहते हम खुश नहीं हैं बट स्टिल हमें ऐसा दिखाना होता है कि हम बहुत खुश हैं पोलाइटली उसको आंसर करना चाहते हैं मतलब अंदर कुछ और चल रहा होता है लेकिन बताने के लिए कुछ और होता है तब हम इसको मोस्टली यूज़ कर लेते हैं वेरी वेल थैंक्स लाइक अगर कोई पूछता है तो आप उसको ईजिली रिप्लाई कर सकते हो आई एम वेरी वेल थैंक्स नाउ द सिक्स वन इज ओके ऑल राइट नॉट बैड ये भी पॉजिटिव हैं बट सेम एज़ फिफ्थ की तरह ही हम इनको भी जब हम उतना अच्छा फील नहीं कर रहे या फिर किसी को उतना कुछ बताना नहीं चाहते तो नॉर्मली आंसर करने के लिए हम इन्हें यूज कर लेते हैं ओके ऑल राइट नॉट बैड लाइक आई एम ओके या फिर एम ऑल राइट आई एम नॉट बैड ओके नाउ द सेकंड वन इज मच बेटर ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई लाइक हम काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं या हमें कोई बीमारी हो गई थी और अभी अभी हमने रिकवर करना शुरू किया है तब हम इसे बोल सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम ठीक हुए हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हो लाइक आई एम वेलिंग मच बेटर नाउ ओके नाउ द एट वन ऑल द बेटर फॉर सींग ये बहुत ही फ्रेंडलीस्ट होता है हम मतलब ये हम जिसमें बोलना चाहते हैं वो ये है कि आपको देख कर के अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू तो आप आंसर करेंगे ऑल द बेटर आफ्टर सीइंग यू इसको स्ट्रेंजर्स के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीअर होता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप यूज़ कर सकते हो उनको थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए आप तो बोल सकते हो कि आपको देखने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूं अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है इस तरीके से जो हम बोलते हैं इन इंग्लिश दैट इज ऑल द बेटर बेटर फॉर that's यू सो today ऑल I hope एंड आई होप यू लाइक द सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो guys डू फॉलो सब्सक्राइब एंड hit एंड शेयर विद with फैमिली एंड फ्रेंड्स friends. Please guys do follow on Insta and FB also so you will get more interesting facts. Uh, you will get to know more about different different words and uh, different different things. So I hope you will do And thanks for watching. Meet you in the next video. Till that, this question sharing out. Love and peace from me to you. And I wish you all be happy and healthy wherever you are. Till that, bye bye. Take care.